वाटर ब्रश कर लो, फिर धीरे धीरे एक एक करके कलर को ऐड करो, जैसे लेमन येलो, वर्मिलियन ह्यू, क्रोम येलो। वर्मिलियन ह्यू के साथ थोड़ा सा क्रोम येलो को मिला के ये ऑरेंज कलर बनाए हैं। यहाँ पर वर्मिलियन ह्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ये रेड ज़्यादा दिख रहा है। ये हाफ इंच का फ्लैट ब्रश है। सब कलर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप लोगों को प्रोसेस अच्छे से देखना है। यहाँ पर देखो, वर्मिलियन ह्यू के साथ जो येलो क्रोम मिलाया था वही कलर डार्क करके यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कलर जब भीगा रहेगा तभी अप्लाई करो, तो और भी अच्छा इफेक्ट आएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को ऐसा ही अच्छा अच्छा पेंटिंग देखने को मिल जाएगा, तो मेरे चैनल पे जाओ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और पास में जो नोटिफिकेशन बिल है उसको ऑल करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसा ही अच्छा अच्छा पेंटिंग लाता रहता हूँ। कुछ पेंटिंग का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप लोग चाहे तो आई बटन से भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो, लेमन येलो थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, और देखो ब्रश को गीला करके एकदम सुखा के देखो, थोड़ा थोड़ा करके कलर को रिमूव करना है। कभी कभी कलर को रिमूव करना पड़ता है, तब हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर देखो, अल्ट्रामैन ब्लू के साथ थोड़ा सा ब्राउन साइना को मिला के ये कलर मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग पुराना वीडियो देखोगे तो और भी अच्छा अच्छा पेंटिंग आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही मैंने सारे पेंटिंग का कलर डिटेलिंग अच्छे से समझाया है। यहाँ पर ब्राउन साइना के साथ थोड़ा सा अल्ट्रामैन ब्लू ज़्यादा दिया है, इसलिए थोड़ा सा ब्लू ज़्यादा दिख रहा है। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैं कौन सा कलर यूज़ करती हूँ, तो कलर जो मैं यूज़ करती हूँ उसका अमेज़ॉन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चाहे तो वहाँ पर जाकर भी वो कलर परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम थोड़ा सा वाटर ब्रश करके उसके साथ अल्ट्रामैन ब्लू और ब्राउन साइना को मिला के देखो, कलर को मैं ऐड कर रही हूँ। और कभी कभी जब ब्लूइज दिख रहा है कलर, तब अल्ट्रामैन ब्लू को थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा हुकर ग्रीन ऐड कर लो, और उसके साथ थोड़ा सा सैप ग्रीन, और उसके साथ थोड़ा सा क्रिम्सन लेक और ब्राउन साइना को मिला के जो कलर मिक्स्ड करके अप्लाई किया था।
और इसके बाद थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन को डार्क करके अप्लाई करना है। अब हम स्टोन पे आते हैं। अल्टीमेट ब्लू और ब्रांड साना को मिला के जो कलर मैंने बनाया था वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, देखो। और ज़्यादा डार्क नहीं किया है। और यहाँ पर जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ एमराल्ड ग्रीन के साथ थोड़ा सा अल्टीमेट ब्लू को मिला के कलर बिल्कुल हल्का करके अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर लेमन येलो थोड़ा सा ऐड कर दिया है और उसको धीरे धीरे करके रिमूव भी कर रहे हैं, देखो उसका इफेक्ट अल्ग आएगा। यहाँ पर भी सेम अल्टीमेट ब्लू के साथ थोड़ा सा ब्रांड साना को मिला के जो कलर बनाया था वही अप्लाई कर रहे हैं, देखो। ध्यान रखना कि कलर सूख ना जाए, जब कलर भीगा रहेगा तभी दूसरे कलर को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अल्टीमेट ब्लू को ऐड कर रहे हैं और उसके साथ थोड़ा सा क्रोम येलो को ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा क्रोम येलो ऐड करेंगे। अल्टीमेट ब्लू और ब्रांड साना को मिला के जो कलर बना था वही डार्क करके अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर अल्टीमेट ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा दिया है ताकि इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगे और थोड़ा सा डार्क लगे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा लेमन येलो ऐड कर रहे हैं और ब्रांड साना और अल्टीमेट ब्लू को मिला के जो कलर मैंने बनाया था वही देखो कैसे डार्क करके अप्लाई कर रहे हैं। अगर कभी ब्लैक देने की ज़रूरत पड़े तो ब्लैक कभी भी यूज़ मत करो, क्योंकि ब्लैक हम लोग कभी भी वाटर कलर में यूज़ नहीं करते हैं। ब्लैक के बदले हम लोग ये कलर ऐड कर सकते हैं अल्टीमेट ब्लू और ब्रांड साना को मिला के, देखो ब्लैक ही लग रहा है ना पूरा। जहाँ पर भी डार्क कलर यूज़ करना पड़ता है वहाँ पर हम लोग यही कलर अप्लाई करते हैं। और आप लोग मेरा बाकी का वीडियो अगर देखते हो तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि कलर को मैं कैसे यूज़ करती हूँ और कौन सा कलर कहाँ कहाँ पर और किस टाइप पे यूज़ करती हूँ। अल्टीमेट ब्लू और ब्रांड साना को मिला के जो कलर बनाया था वही अप्लाई कर रहे हैं, देखो। लेकिन ये थोड़ा सा हल्का करके अप्लाई कर रहे हैं और कलर को अच्छे से मिला देना है, देखो। और यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा जो स्टोन का जो इफेक्ट होता है ना वो इफेक्ट दे रहे हैं। लाइट पोर्शन थोड़ा सा ग्रीनिश है तो यहाँ पर थोड़ा सा अल्टीमेट ब्लू के साथ थोड़ा सा ग्रीन को ऐड करेंगे, ऑलिव ग्रीन को ऐड करें, देखो थोड़ा थोड़ा करके इफेक्ट दे रहे हैं। और येलो ऑकर के ऊपर येलो ऑकर और उसके साथ थोड़ा सा ब्रांड साना को मिला के थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा डार्क किया है और वही देखो इफेक्ट दे रहे हैं अभी। ध्यान दो कि ब्लूइश कलर के ऊपर ब्लूइश इफेक्ट, ग्रीन कलर के ऊपर ग्रीनिश इफेक्ट और येलो के ऊपर येलो इफेक्ट, लेमन येलो, ऑरेंज, उसके साथ थोड़ा सा अल्टीमेट ब्लू के साथ ब्रांड साना को मिला के जो कलर ऐड किया था मतलब मिक्स्ड किया था वो ऐड कर रहे हैं और देखो अच्छे से कलर को मिला दे रहे हैं। फर्स्ट टोन में हमेशा कलर को लाइट फॉर्म में देना पड़ता है और सेकेंड टोन में थोड़ा सा डार्क फॉर्म में, और थर्ड टोन जो फाइनल टोन होता है वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है सिर्फ वहाँ पर टच करना है। ओके, आप लोग अगर मेरे चैनल देखते हो मतलब मेरे वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा अच्छे से कि फर्स्ट टोन कैसे होता है, सेकंड टोन कैसे होता है और थर्ड टोन कैसे होता है। एक कलर को मतलब एक पेंटिंग को कैसे टोटल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे आप लोग देख पाओगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं डिटेल में आप लोगों को दिखा रही हूँ और जो जो कलर मैंने मेंशन किया था वही कलर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड भी कर रही हूँ। लेमन येलो उसके साथ थोड़ा सा ऑरेंज को मिलाओ, ऑरेंज कैसे मिलाना है वही येलो क्रोम के साथ थोड़ा सा वर्मिलन ह्यू को मिला दो तो ऑरेंज बन जाएगा और वही कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ, देखो। और अल्टीमेट ब्लू और ब्रांड साना के साथ जो कलर मैंने बनाया था वही देखो एकदम हल्का करके अप्लाई किया था और यहाँ पर वही ऑरेंज अप्लाई कर रही हूँ, देखो। कहीं पर हल्का कहीं पर डार्क ऐसे ही अप्लाई करना है और अच्छे से देखो कहाँ कहाँ पर मैंने यहाँ पर जो इफ़ेक्ट के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके डार्कनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो। ब्रश देखो बिल्कुल ज़ीरो नंबर का ब्रश लिया है, राउंड ब्रश।
एमरल्ड ग्रीन के साथ थोड़ा सा अल्टमेंट ब्लू को मिला के ये कलर मैंने बनाए हैं देखो, और एकदम हल्का करके अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर लेमन येलो उसके साथ मिला दिया है, वो भी हल्का करके अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट टोन है। येलो ऑकर और अल्टमेंट ब्लू और ब्रांसाना को मिला के जो कलर यूज मतलब मिलाया था वो देखो हल्का करके अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम ग्रीन कलर एमरल्ड ग्रीन के साथ थोड़ा सा अल्टमेंट ब्लू को मिला के वही कलर अप्लाई कर रहे हैं। और देखो बीच बीच में मैं येलो ऑकर भी अप्लाई कर रही हूँ, ये आप लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा, मैं हर एक कलर को मेंशन कर दे रही हूँ। विडियन ह्यू और अल्टमेंट ब्लू को मिला के ये डार्क कलर बनाए हैं। देखो कलर यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है और इसको धीरे धीरे करके उसको मिला देना है। देखो ज़्यादा पानी नहीं देना है, कलर को थोड़ा सा वाटर में डिप करके कलर को हल्का कर लो और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको मिला लो। एमरल्ड ग्रीन और अल्टरमेंट ब्लू को मिला के जो कलर मैंने बनाया था वही हल्का करके अप्लाई कर रहे देखो, और धीरे धीरे इफेक्ट देने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके डार्कनेस भी ला रहे हैं। और ब्रास देखो बिल्कुल ही सूखा है और ऐसे ही धीरे धीरे करके कलर को मिला देना है। जो जो कलर मैंने मेंशन किया था अभी तक उसमें ही सब कलर यहाँ पर मौजूद है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस या कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दे दूंगी। और बहुत जल्दी मेरा दूसरा चैनल आने वाला है, वहाँ पर मैंने हैंड क्राफ्टिंग का काम किया है। आप लोगों को अगर किसी को हैंड क्राफ्टिंग का शौक़ है तो वहाँ पर आप लोग जाकर भी देख सकते हो, वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा एंटिक चीज़ें मिल जाएगा आप लोगों को। और मैंने यहाँ पर जैसे ट्यूटोरियल अच्छे से दिखाती हूँ वहाँ पर भी दिखाऊंगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मेरा चैनल खुल जाए मतलब लॉन्च हो जाए तब आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर सकूँ और आप लोग वो देख पाओ। आई होप आप लोगों को ये पेंटिंग समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या आप लोगों को कौन सी पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दूँगी। Thank you for watching.